हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मेकअप ट्यूटोरियल ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, तो मैंने कहा आज मैं मेकअप ट्यूटोरियल के साथ हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही सिंपल कुछ न्यू प्रोडक्ट्स जो है मेकअप के ऊपर ट्राई करने लगी थी, न्यू स्पेशली फाउंडेशन। सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि हम जो है क्या मेकअप लुक करते हैं। मोस्टली एवरीडे मेकअप लुक, सॉफ्ट मेकअप लुक हम वही करेंगे, और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग भी करेंगे। ताकि पहले मेरा ख्याल है आई थिंक आई विल डू माई हेयर फर्स्ट, बिकॉज मेरे बाल बहुत मेसी से हुए हैं, शावर लेने के बाद में फुसफुस हुए हैं। सो फर्स्ट हम हेयर स्टाइल करेंगे, थोड़े बालों की शक्ल निकले, देन उसके बाद हम मेकअप करेंगे। तब तक आप लोग जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए अब वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। जो दो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूंगी वो आप लोगों को साथ साथ में दिखाती जाऊंगी। तो इतनी देर बाद जब वीडियो बनाओ ना, तो आपकी जुबान खुद बहुत ही स्लिप हो जाती है। सो नो वरीज, चलिए जी सबसे पहले अपने बाल बनाते हैं फटाफट से, और फिर आगे करते हैं हम अपना मेकअप। गाइस, सो बालों को जो मैंने कॉम कर लिया, अब मैं ये हीट प्रोटेक्शन स्प्रे जो है यूज़ करने लगी। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान में आपने लेना है तो आप श्वार्ज़कॉफ का ले लें, और ये वाला मैंने यहाँ से लिया था, नॉर्मल सा या ये, और ये लिया भी नॉर्मल शॉप है वहाँ से था। थोड़ा सा हम स्प्रे कर लेंगे, थोड़ा ना ऑयली ऑयली, पानी पानी नहीं, इसका थोड़ा ऑयली ऑयली वाला टच जाता है। आई थिंक ज़्यादा ही लगा लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप जो है, मैं ये वाव का पॉप एंड ग्लो हाई ग्लोस फिनिश, ये जो है सीरम सा ही है, ये लगाऊंगी। ठीक है, ये मैंने वैसे सुबह थोड़ा सा बालों को फ्रिजीनेस खत्म करने के लिए लगाया था। देखें, और ये डायसन एयर रैप्चर मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आवाज़ इसकी शोर ज़्यादा हो जाएगा। पहले मैं इस ब्रश से थोड़ा बहुत बालों को जो है ना स्मूथ आउट करूँगी, स्ट्रेट करूँगी, काफ़ी हद तक थोड़ा बेहतर हो जाएंगे, देन हम बनाएंगे बाल। अभी तक मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि इससे लॉन्ग लास्टिंग जो है आपका हेयर स्टाइल कैसे बने, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे इतना अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो थोड़े ना ओपन हो जाते हैं। सो मैं भी अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ। मोस्टली मैं इसका स्ट्रेटनिंग से पहले ही ये वाला ब्रशेज़ का यूज़ करती हूँ। चलिए जी, अब करते हैं। ठीक है, ये आप देखें, एक तरफ मैंने किया और एक तरफ मैंने नहीं किया। ठीक है, और ये इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा तब मिलता है जब आपके बाल जो हैं तकरीबन थोड़े से जो है वेट भी हों। ठीक है, गीले बालों में हो तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अभी मैंने ड्राई बालों में किया, इसीलिए जो है भी रिजल्ट कुछ ऐसा है। और अब दूसरी साइड पे भी कर लेते हैं, और ये जो है आपके बालों को इतना ज़्यादा डैमेज भी नहीं करता, जैसे आप दूसरा ड्रायर अगर यूज़ करते हैं ना, वो आपके बालों को ज़्यादा डैमेज करता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ओके, तो आगे से मैंने इसको चेंज कर लिया, और अब थोड़ा सा सेक्शन हम यहाँ से लेंगे, थोड़ा सा सेक्शन हमने यहाँ से लेना है। ठीक है, और इसको ऑन करेंगे, और फर्स्ट हम इसको इस तरीके से करेंगे ब्लो ड्राई से, थोड़ा सा इधर टीजिंग देते हुए। ठीक है, थोड़ा टाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूं करके आपने करना है। फिर इसको लाएंगे यूं, फिर हम नीचे से करेंगे एक दो बार, फिर एक बार राइट डायरेक्शन, एक बार लेफ्ट डायरेक्शन, फिर इसी तरह दो चार दफ़ा करके। थोड़ा बाल वेट हों तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, अदरवाइज अभी मेरे बाल ड्राई हैं, सो इसीलिए शायद आपको वैसा रिजल्ट नहीं नज़र आएगा। बट स्टिल अभी मेरे पास टाइम भी शॉर्ट है। ये इसके साथ ही चिपक गया, वेलक्रो जो है ना ये इस पे लगा देना हमने। ओके, सो नेक्स्ट अब मैंने बैरल इसका चेंज कर लिया, थोड़ा जो थिक बैरल है ये लगाया है। इसको जो है इस तरह से करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे करेगा कर्ल, और इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह। ठीक है, यहाँ से इसको आप स्विच कर सकते हैं, थोड़े थोड़े सेक्शन होंगी। मैं
ये गोभी हो इसका, ये वेजिटेबल क्या करे सो वी आर बैक। अब मैं अगेन बाल जो है ना करती हूँ, क्योंकि मैंने बीच में खाने की ब्रेक ले ली थी क्योंकि हस्बैंड काम से आए थे तो उनको देना था खाना, तो मैंने कहा साथ में भी खा लूँ। अकेले खाना बहुत मुश्किल होता है। चलें जी इसको ओपन करते हैं। मैंने बहुत क्विकली वाला ही किया, मैंने बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगाया बालों को, बस Hey guys, so this is the final hairstyle. चलें जल्दी से जो है थोड़ा बहुत आप मेकअप कर लेते हैं, फेस को भी हल्का फुल्का टचअप कर लेते हैं। आज मैं एक नई फाउंडेशन यूज़ करने लगी तो मैंने कहा मैं उसका आपको रिव्यू भी देती हूँ, साथ साथ हम ट्राई करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, मैं आपको वो बताऊँगी। ठीक है, ये बेनिफिट का प्राइमर लगाया है, दिस ओके। सो आज हम ट्राई करने लगे हैं डियोर की बैक स्टेज फाउंडेशन, ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करी है। इस पर मेरा शेड है 1.5 N। लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है। इसको पहले अच्छे से मैंने शेक कर लिया। ओके ठीक है, लेट्स सी कैसी है ये। मैंने कोई कंसीलर शंसीलर नहीं लगा रही हूँ, जस्ट मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ ट्राई करने के लिए। ये थोड़ा थोड़ करके मैं लगा लूँगी बिकॉज हमें एवरीडे के लिए ही चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा रही हूँ, बस मिरर के बगैर इट्स डिफिकल्ट। ओके अब पास आकर दिखाती हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट, समझ नहीं आती कि लाइटिंग को कैसे बेहतर करूँ। मैं स्टिल अभी भी इस पर वर्क कर रही हूँ, तो जिस दिन वीडियो बनानी होती है उस दिन फिर मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती लाइट सेट करने में। इतना हैवी इसको पकड़ो, इतना मुश्किल काम है। सो इट्स वेरी ईजी टू ब्लेंड दिस फाउंडेशन, लाइक इतना टाइम भी नहीं लगा और सुपर ईजी। बहुत ज़्यादा कोई मुझे ये ऐसा भी नहीं लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा ली, बहुत ही नेचुरल सी है और डार्क स्पॉट्स वगैरह भी इसने कवर कर दिए हैं, ज़रा बस मेरे डार्क सर्कल्स बने हुए हैं। एज आई एम डूइंग इट फॉर नेचुरल एवरी डे मेकअप, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज कंसीलर इन दिस लुक, तो जस्ट मैं एक फाउंडेशन से ही लगा रही हूँ, क्योंकि इवन आप स्कूल कॉलेज वगैरह कहीं भी जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर मेकअप करके तो नहीं जाते हो ना, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग ओनली वन फाउंडेशन। सो मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक इट्स वेरी गुड, लाइक फॉर एवरी डे यूज़ आपको लग भी नहीं रहा है देख के कि फाउंडेशन आपने लगाई हुई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। यानी कि आप स्कूल वगैरह भी मैं जाऊँ तो मैं ये लगा के जा सकती हूँ। इवन बीबी क्रीम भी लगाओ तो मुंह पे पता लगता है कि बीबी क्रीम लगाई हुई है, एक फाउंडेशन की लेयर लगती है, बट इसको लगा के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई फाउंडेशन की लेयर लगाई हुई है। आई थिंक इट्स वेरी नाइस, लाइक यू कैन सी बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल कवरेज। ओके सो फाउंडेशन इज डन, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस पिक्सी ऑन द ग्लो ब्लश। टिंटेड मॉइस्चर स्टिक है ये इसकी और बहुत अच्छी लगती है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड इट्स का शेड है रूबी। और डेली लुक जैसे भी स्कूल में भी जाना हो तो मैं इसको किस तरीके से अप्लाई करती हूँ आपको वो बताती हूँ। बहुत ज़्यादा चीक्स अपने लालो लाल नहीं कर देती, ऐसे करती हूँ कि ऐसे लगे कि चीक्स आपके नेचुरली रेड हैं। तो थोड़ा सा हमने ये ले लिया, इस पर हल्का हल्का डैब डैब करना है आपने इस साइड पर, जस्ट अपल ऑफ द चीक्स पे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना कि आप एक पूरी एक लेयर एक पूरा गोल दायरा ऐसा बना लें, हल्का हल्का बस, बहुत प्रेशर में बिल्कुल नहीं दे रही हूँ इसमें, जस्ट हल्का सा। ठीक है एक ही बार मैंने लिया, दैट्स इट, और फिंगर से इसको मैं कर दूँगी जहाँ मुझे लगे कि मुझे ज़रूरत है। सही नहीं लगा, ज़्यादा बस कहीं भी नहीं लगाना आपने, साइड से शार्प लाइन जो है उसकी वो बंद कर देनी हमने, दूसरी साइड से मैं यूँ कर लेती हूँ।
ये देखिए इसमें फ़र्क देखें और इसमें फ़र्क देखें, ठीक है, ताकि वो एक नेचुरल पिंक सी लुक आए। यहाँ पे मुझे लग रहा है मुझे ज़्यादा लगा ली, तो मैं इसको जहाँ पे इस साइड से दूसरी साइड से जो है ना उसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि लाइट हो जाए। और मैं इस लुक पे लाइक डेली बेसिस पे अगर आप लगा रहे हो फाउंडेशन, तो ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ करो, पाउडर लगा के फिर वो एक पूरी एक फेक सी लुक आने लग जाती है, वैसा लगता है कि आपने मुँह पर बहुत मेकअप किया हुआ है, तो इसलिए मैं पाउडर स्किप कर रही हूँ। हर चीज़ लगानी ऐसी है कि बस लगे कि लगाई भी नहीं है और लगाई भी है, और हल्के हल्के हाथ रखते रहे और नोज़। हमारा दिल जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि हमने मुंह पे लगा लिया, इसलिए बार बार लगाई जाती है उस पर, हमें लगता है मैं लगाया नहीं है बट वो लग गया होता है। सो नेक्स्ट स्टेप जो है, मैं अपनी आईब्रोज ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है, आईब्रोज मैंने बहुत लाइट रख के ही करती हूँ हाथ। नेक्स्ट जो है आई लैश कलर जो है उससे हमने लैश को कर्ल कर लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है कि वो आपकी लैशेज बिल्कुल ऊपर को उठी के लगे, ठीक हो गया। अब मैं ये वाला मस्कारा लगाऊंगी मेबेलिन का, और हल्का हल्का सा मैंने लगाना है, वैसे थोड़ा काफ़ी अच्छा ड्राई हुआ है मेरा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लैशेज से आपकी नेचुरल लगती हैं, ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा लगाए हुए। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा लाइन्स पड़ जाती हैं अंडर आईज पे, तो आपने जो है हल्का सा पाउडर बस लगा लेना, हल्का सा, दैट्स इट। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। मैंने पहले ग्लोस लगाया हुआ था, उसको मैं रिमूव करूँगी फर्स्ट। नेक्स्ट लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ, ये डियोर की है, इसका नंबर है 458। काफ़ी मज़े की लिपस्टिक है, ये कलर भी इसका बहुत प्यारा है। That's it. Hey guys, this is the final look. I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हल्का सा नो मेकअप मेकअप और सिंपल, इतनी सॉफ्ट मजे की, और इतना कोई टाइम भी नहीं लगा, 5 से 10 मिनट में आपका मेकअप हो जाता है। फाइनल लुक गाइज, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मैंने फटाफट से एक क्विकली सा मेकअप लुक भी किया है, और हेयर स्टाइल भी मेरा मकसद मेन था कि मैं ये डियोर की फाउंडेशन जो है वो ट्राई करना चाह रही थी कैसी है, बिकॉज़ यहाँ पे स्कूल में इतने ज़्यादा लोग कोई मेकअप शेकअप तो करते नहीं हैं, सो आई डोंट लाइक के मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके स्कूल जाऊँ, सो मैं ये इसलिए ट्राई करने के लिए ली थी कि डेली बेसिस पे कैसी लगती है। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड लाइक फॉर डेली यूज़, लाइक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉब कहीं भी आप जाते हैं, ज़्यादा मेकअप हैवी कवर मेकअप जो है वो नहीं करके जाना चाहते, देन यू कैन यूज़ दिस, आई थिंक इट्स वेरी गुड। लाइक देखने में कहीं से भी कोई पास आके भी नहीं लग रहा है कि कोई फाउंडेशन आपने लगाई हुई है, लाइक बहुत अच्छी लग रही है मुझे, सो अब मैं बेफिक्र हो गई, स्कूल भी फाउंडेशन यूज़ कर सकती हूँ। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लेट मी नो इन कॉमेंट्स कि आप नेक्स्ट किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है दैन लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक।